बिहार में कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। लगातार लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित है। आपको बता दें कि उनके संक्रमित होने की जानकारी मिलने से समर्थक और पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हो गए हैं। ऐसे में बुधवार को नालंदा के रहुई में प्रखंड अध्यक्ष विनोद मुखिया के द्वारा रहुई थाना क्षेत्र के सामने स्थित शिव मंदिर के परिसर में हवन पूजन किया गया, ताकि जल्द से जल्द मुख्यमंत्री नीतीश कुमार स्वस्थ हो जाएं। हम लोग के माननीय मुख्यमंत्री जो विकास पुरुष हैं, उनको हम लोग के मालूम हुआ कि उनको कोरोना पॉजिटिव हो गया है। इसलिए हम लोग रहुई प्रखंड के कार्यकर्तागण हवन पूजा कराए हैं कि वे जल्द स्वस्थ हो जाएं और बिहार को जो गति अवरुद्ध हो गया कोरोना पॉजिटिव होने के कारण, वो विकास फिर से आगे बढ़े। और हम लोग कामना के इसीलिए हवन कराए हैं कि जल्द से जल्द स्वस्थ हों और विकास तेजी गति से बढ़े और बिहार में जो भी कोरोना आया है उसको भी हम लोग चाहते हैं कि समाप्त हो जाए, कोरोना यहाँ से चला जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी माने जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाए, ताकि हम लोग बिहार रहुई प्रखंड के जनता के बीच के मुख्यमंत्री हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और रहुई से बहुत ज़्यादा लगाव उनका था, इसीलिए हम लोग आज उनके लिए हवन पूजा किए। मुख्यमंत्री की अच्छी जीवन की कामना करते हुए यह हवन आयोजित किया गया है। आपको बता दें, जेडीयू कार्यकर्ताओं ने जल्द से जल्द बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की ठीक होने, साथ ही साथ जल्द से जल्द कोरोना की जाने को लेकर यह हवन पूजन आयोजित किया है। अब देखने वाली बात होगी कि बिहार के मुखिया यानी नीतीश कुमार कब तक स्वस्थ हो पाते हैं, लेकिन तब तक के लिए आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हमारे चैनल 4th Pillar Life।